राज्य की दो जल परियोजना को राष्ट्रीय नहर परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को बारा में किसान महापंचायत की अहम बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कृषि उपज मंडी स्थित किसान भवन में किसानों के साथ चर्चा की और केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। जाट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने किसानों की खुशहाली का नारा दिया है, जो आजादी के 75 साल बाद आज भी अधूरा है। आज किसान फसल पर खर्च करने वाली रकम वापस हासिल नहीं कर पा रहे, जबकि सरकार किसानों को अनुदान देने की बात कर रही है। पचहत्तर वर्ष पूरे हो गए हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है और किसान की जेब में अभी वो भी पैसा नहीं आ रहा जो वो फसल पैदा करने में खर्च करता है। हम तो लगातार कह रहे हैं, सरकार जो कह रही है कि हम किसानों को अनुदान दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सरकार अनुदान दे नहीं रही, किसानों की जेब से अनुदान छीन रही है। इसलिए अनुदान मत छीनो, किसानों की खुशहाली के जो हमने मंत्र दिया है वो मंत्र सुनाता हूं आपको, जो सबके लिए उपयोगी है। हर किसान का यही पैगाम, खेत को पानी, फसल को दाम। इसलिए जितनी भी नहर परियोजनाएं वे सब पूरी हो, और ये दो परियोजना के लिए जो राज्य ने रिक्वेस्ट की है राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने की, इनको राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया जाए। और तीसरा हम कहना चाहेंगे कि MSP के लिए जो सरकार ने कहा हुआ है कि MSP थी है रहेगी, तो फिर कानून बना दो।